24 घंटे बाद भी बच्ची का कोई सुराग नहीं, परिवार के साथ खड़ी हुई पैनी नजर। जिला बरेली के तहसील नवाबगंज यासीन नगर निवासी राजेंद्र की 8 वर्षीय पुत्री कल नए पुल नवाबगंज से लगभग शाम 5 बजे से गायब हो गई। स्थानीय लोगों ने पैनी नजर सामाजिक संस्था के प्रदेश अध्यक्ष सुनीता गंगवार को जानकारी दी। संस्था अध्यक्ष ने मौके पर जाकर पीड़ित माता पिता से उनका हाल लिया और पूरी घटना की जानकारी ली। पीड़ित माता पिता ने बताया कि कल शाम 5 बजे के करीब बच्ची को नए पुल के पास देखा गया था, उसके पश्चात से बच्ची का कोई पता नहीं चला। पीड़ित परिवार ने संबंधित थाने नवाबगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के पश्चात अभी तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, सही ढंग से तत्परता नहीं दिखाई गई। संस्था अध्यक्ष ने कहा कि आए दिन बच्चियों के अपहरण हो रहे हैं और प्रदेश सरकार कह रही है कि हम नारी सशक्तिकरण का दम्भ भर रहे हैं। संस्था अध्यक्ष ने कहा कि अगर जल्द ही बच्ची नहीं मिलती तो संस्था अपने प्रयास में कोई कमी नहीं रखेगी। साथ ही साथ संस्था अध्यक्ष ने चेतावनी दी है कि अगर जल्दी बच्ची नहीं मिली तो संस्था आक्रोश को देखते हुए जन आंदोलन के लिए तैयार है। तो आपकी बेटी कल कै बजे तक आई थी? कल हमारी बेटी जो आपकी मीटिंग लगी हुई थी पाँच बजे के करीब में चली गई थी। 5:30 का टाइम था, 5 बजे के टाइम पर वहीं पर चली गई थी। तो अब बच्चे और भी थे, घूमने वाले चले जाते हैं संस्था में, तो हमने कोई बात नहीं, उस बात का हमने ध्यान नहीं दे पाया कि जो इधर पब्लिक में चली गई, बाद में ध्यान दिया हमने थोड़ी देर बाद, तो वहाँ फिर हमारी बच्ची मिली नहीं थी। अच्छा, लास्ट बार कहाँ पे देखा गया था बच्ची को? पुराने पुल पे। अच्छा, पुराने पुल पे आखिरी बार देखा गया था? उस बार देखा। तो कहीं शिकायत वगैरह थाने में? क्या कह रहे हैं, थानेदार से बात हुई थी आपकी? थानेदार से हुई थी, बोले देखते हैं। जी मैम, आज यहाँ पे आना हुआ है यासीन नगर में? अभी मुझे जानकारी मिली है, इन लोगों ने फ़ोन किया है यहाँ पे, जो ये बच्ची के मामा हैं, या एक बच्ची लापता हुई है। कल जो है बच्ची नए पुल के पास से नवाबगंज से ये लापता हुई है। ये एरिया यासीन नगर कहलाता है और यासीन नगर में ये लोग रहते हैं, ये गरीब परिवार है। और ये बच्ची खेलते खेलते कल मालूम नहीं 5 बजे तक वो देखी गई है जी। 5 बजे के बाद वो बच्ची देखी नहीं गई है, उसके बाद से बच्ची के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है। ये उसकी उम्र 7 साल करीब बता रहे हैं। और उसके पश्चात जो है इन्होंने पुलिस में रिपोर्ट की है, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हो गई है। अभी मेरी SHO साहब से बात हुई है तो उन्होंने ये बताया कि हाँ हम देख रहे हैं और अभी तो हमें कोई जानकारी मिल नहीं पाई है। कहने का मतलब है कि इस तरह से दिन दहाड़े जो है छोटी छोटी बच्चियां जो गायब हो रही हैं, ये बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है। और इसके अलावा पुलिस प्रशासन की ये लापरवाही भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर पुलिस फोर्स रहती है, उसके बावजूद भी कैसे बच्ची गायब हो गई और पुलिस अब तक उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। पुलिस को गंभीरता से इस पर कार्य करना चाहिए और बच्ची को जल्दी ही ढूंढ कर निकालना चाहिए, क्योंकि इसे जो है आम जनमानस में बहुत भय व्याप्त हो रहा है और माता पिता तो कितने परेशान हैं, ये आप देख ही रहे हैं। बात हुई किसी पुलिस अधिकारी से? हाँ, मैंने अभी बताया था कि मेरे थाना अध्यक्ष जी से बात हुई है। उनकी जगह अभी थाना अध्यक्ष जी यहाँ पर नवाबगंज में नहीं है, उनकी जगह जिसने भी चार्ज लिया है उन्होंने बताया है कि अभी हमें कोई सुराग मिला नहीं है और हम देख रहे हैं। तो अब देखना है कि ये कब तक देखते हैं, अगर नहीं देखते हैं तो हम लोग संस्था इसके लिए आगे कार्यवाही करेगी। हम कप्तान साहब के पास, मतलब 7 साल की एक बेटी गायब हुई है, कैसे सुरक्षित हैं योगी सरकार में बेटियां, जरा बताएं। देखो, ये सरकार का जो ये अभियान चल रहा है, उनका एक नारा दिया था उन्होंने कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आए दिन हम रोज देख रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी थाने में ये रिपोर्ट मिलती रहती है कि आज यहाँ से बेटी गायब हो गई। तो बड़ी विडम्बना, बड़ी दुख की बात यह है कि आखिर पुलिस की लापरवाही कहें या किसकी लापरवाही कहें कि आए दिन बच्चों का ये किडनैपिंग का जो काम हो रहा है, इसमें ये क्यों फल फूल रहा है और पुलिस प्रशासन जो है ये मौन धारण करे हुए क्यों बैठा हुआ है? पुलिस की जो ये चिंता है इतनी धीमी क्यों है कि 7 साल की बेटी जो है अभी बरखंड रोड में चौराहे वहाँ से गायब हो गई है और अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। अगर जल्दी अगर बच्ची का सुराग ना लगा तो पैनी नजर समय से इस पर क्या एक्शन लेगी? एक्शन ये लेगी कि जो हमारी गतिविधियां हैं पुलिस के उसके चल रही हैं कि हम उनसे पहले तो मांग करेंगे, पुलिस भी उम्मीद है, मैं आशा करते हैं कि पुलिस जो है वो अपनी तत्परता दिखाएगी इसमें और पुलिस से पूरा भरोसा है कि वो बेटी को बरामद करेगी। अगर नहीं भी हो पाती किसी वजह से
तो ये हमारा यहाँ से लेकर प्रशासन शासन तक मांग होगी और यहाँ तक नौबत आई तो हम धरना प्रदर्शन से भी नहीं चूकेंगे, क्योंकि समस्या ये एक दिन की नहीं है, किसी एक व्यक्ति और एक समाज की नहीं है। आए दिन ये काम हो रहा है, जो किडनैपिंग हो रही है, इसके लिए प्रशासन के चेताएंगे।